धुएं निकाल रहा है। भैया मिर्ची है, फिंगर है और कमल ककड़ी है। तो क्या हाल है मेरे चटोरो, एक बार फिर सर्दी में आप सबका स्वागत है। और दिल्ली में जो ठंड पड़ रही है ना, इस टाइम पे यार बंदों को ना गरम गरम खाने का जरूर मन करता है। और गरम गरम में क्या याद आता है, पकोड़े। पकोड़े भी ऐसे नहीं नॉर्मल फ्राई करके दे दिए, आज मैं दिखाऊंगा आपको सैंडविच पकोड़ा, मतलब सैंडविच ब्रेड पकोड़ा, जिसमें आपको पनीर प्याज वगैरह सब मिलेगा। पकोड़ों के क्या रेट है, क्या मेन्यू है, पूरी दिखाऊंगा। एक बार इधर आ जाओ, आपको मेन्यू दिखाता हूँ। ये देखो, ऑनियन पकोड़ा, आलू पकोड़ा, ये आराम से देख लेना, रेट वगैरह देख लेना। और ये बिंद्रा पकोड़े वाला है, कितना फेमस है आप सभी को पता है। अब इसके सुबह सुबह मॉर्निंग में आए हैं, 9-10 बज रहे हैं, अब टेस्ट करते हैं, फिर आपको आगे मिलते हैं। गाइज ये देखो, बिंद्र पकोड़े वाले में अभी फिलहाल इनके भाई अभी गए हुए हैं, जो आपने वीडियोस में देखा होगा, और ये उनके छोटे भाई रहने वाले हैं। तो अभी ये सुबह के टाइम यही होते हैं और दुकान पे अभी काम चल रहा है और काफ़ी ज़्यादा कस्टमर आ चुके हैं ऑलरेडी। तो देखो एक बार भैया से नाम पूछते, भैया आपका नाम क्या रहने वाला है? जसविंदर। जसविंदर भैया, भैया आप ये बताओ आपके पास पकोड़े कौन से रहते हैं? ये सारे मिक्स होते हैं, प्याज है, पालक है, आलू है, गोभी है, मिर्ची है, फिंगर है और कमल ककड़ी है। अच्छा भैया, चाप है, कमल ककड़ी का भी है। हाँ जी। अच्छा, और चाप वाला कहाँ भैया? अच्छा भैया, चाप वाले का रेट क्या है? चाप का रेट 50 रुपये प्लेट है, सिंगल 25 के लिए। सिंगल। और भैया ये सबसे ज़्यादा फेमस ये है ना आपका सैंडविच, ये कितने का होता है? 25 का है, फुल 50, मतलब फुल जोड़ी जोड़ी। अच्छा 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 अच्छा। और भैया आप जैसे कि कौन से तेल में करते हो? सोयाबीन। सोयाबीन का, अच्छा, पूरा अच्छे कंपनी का यूज़ करते हो। तो भैया आप हमें ये आप कौन से पकोड़े खिलाओगे? आप फिंगर बोले, मतलब ब्रेड और पनीर के पकोड़े। ठीक है भैया, ये लगा देना। और आप चटनी दिखा दो भैया, चटनी कैसे रहने वाली है? ये रोज़ फ्रेश बनती है जी। अच्छा भैया, तो चलो यार लगा दो, उसके बाद दिखाता हूँ एक बार। तो गाइस फाइनली अब पकोड़ों की बारी आ गई है, और इतनी सर्दी लग रही है ना, गरम गरम पकोड़े खाने का मन कर रहा है। लेकिन उससे पहले इसकी चटनी का रंग देखो कितना हरा है, और चटनी देखने में कितनी फ्रेश लग रही है। तो टाइम ना फेस करते हैं, पनीर का पकोड़ा टेस्ट करते हैं। पनीर का पकोड़ा देखो, धुएं निकाल रहा है। पहली बार कोई गर्म चीज़ खाने को मिल रही है, वरना व्लॉगिंग के चक्कर में कुछ नहीं मिलता। मसाले वगैरह में कोई कमी नहीं छोड़ी। एक बार फिर टेस्ट करते हैं। अबे अभी भी वीडियो बना पहले, इसको भूख लग जाती है भाई। कैमरा मैन हमने महंगे रखे हुए हैं। तो भाई अगर पनीर पकोड़े की बात करूँ ना, सबसे ज़्यादा जो मेन चीज़ है कि क्रंचीपन बहुत ज़्यादा है इनके पकोड़ों में, और मसालेदार है। चाट मसाला जो इन्होंने डाला है, खुद का बनाया हुआ है, बहुत मज़ा आ रहा है। पनीर पकोड़े को नंबर दूंगा 9। अब आते हैं फिंगर। ओहो, टेस्ट करते हैं। दो खाने में मज़ा, ऐसे छोटी मोटी चीज़ें ज़्यादा नहीं खाना। ये आलू की जो फिंगर्स है, अगर मैं इसको मार्क्स देना चाहूँ, इसमें क्या पंगा है, पंगा तो नहीं कहूँगा, अंदर से ना वही आलू जो टेस्ट आ रहा है, थोड़ा कच्चापन आ रहा है। लेकिन जो ऊपर जो इसके मैदे वगैरह की वो फीलिंग करी गई है, वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा बना रहा है। तो ये सबके अपने ऊपर है, जैसे हर कोई खाएगा उसका टेस्ट होता है। अब जल्दी से इसका खाते हैं हम। ये लो, सबसे ज़्यादा फेमस यही है सैंडविच। ये देखो, टमाटर, पनीर, प्याज और आलू वालू बनाकर, सबसे ज़्यादा फेमस यही है। तो भैया ये कितने का है? ये 25 रुपीज़ का एक पीस है ये, और पेट भर जाए एक से ही। पनीर काफ़ी, देखो काफ़ी तगड़ा यूज़ करा हुआ, और ये अभी आधा है। चटनी के साथ बहुत मज़ा आ रहा है यार। आगे मैं खा लूँ, आगे माल है। ये टेस्ट करना ज़रूर बनता है। पनीर, प्याज, टमाटर और आलू, जो मसाला मुंह में आ रहा है ना, चाट मसाला, चटनी सर, इसको भाई 10 में से 10 है। शायद आपने पनीर का खाया होगा, फ्रेंच फ्राइज या आलू वालू भी खाया होगा, लेकिन ये वाला सैंडविच वाला कहीं नहीं खाया होगा। ये सिर्फ आपको मिलेगा बिंद्रा पकोड़े वाले पे, और इसको मैं 10 में से 10 दूंगा। तो भैया से अभी एंड में लोकेशन वगैरह पूछते हैं और वीडियो एंड करते हैं। तो अभी खाने दो, उसके बाद मिलते हैं।
तो यार भैया काफी ज्यादा बिजी है अभी क्योंकि ग्राहक बहुत आते हैं। तो भैया एक बार लोकेशन क्या रहने वाली है? आश्रम मंदिर, हाँ जी, हरिनगर कॉलेज। कॉलेज कौन सा था भैया? ये GPI कॉलेज। और ये ओल्ड वाली है? ओल्ड बिंद्रा वाली है। एक दो है, ये ओल्ड बिंद्रा वाली है, इस पे आपको आना है। और एक आगे वाली देखो, एक वो वाली है, आपको ओल्ड वाली भी आना है, ठीक है। और ये देखो 1989 से काम कर रहे हैं, तो इनका टेस्ट भाई, इनकी मेहनत बोलती है खाने में। तो यार ठीक है, वीडियो एंड करता हूँ, ज़्यादा हम तंग नहीं करना चाहते हो ना, अपना काम कर रहे हैं। और ये हमने ना थोड़ी जा रहे थे, तो हमने कहा पकोड़े खाते हुए जाते हैं, और ये फेमस तो है, जब मैंने कहा पकोड़े खाने से पहले वीडियो भी बना लेते हैं। और एक नंबर मज़ा आ गया, आज का पूरा दिन ना अच्छा जाएगा, सुबह सुबह इतनी अच्छा फूड खाया तो पूरा दिन अच्छा जाएगा, बस गैस ना बने। मिलते हैं आप सभी को नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय।